तो पक्का कहीं ना कहीं हमें बहुत ही। ओ ये क्या हुआ ब्रो, पूरा आसमान चमक रहा है। ओ ये क्या मीडियो गिर रहा है। व्हाट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू पावर वीडियो। एंड आज के इस एपिसोड में बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं ऐसे एडवेंचर पे जहां पर हमें पॉल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा नए तगड़े पोकेमॉन्स देखने मिलेंगे। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कोई जबरदस्त पोकेमॉन के आने का, क्योंकि भाई बहुत टाइम से ना अभी एक का एक पोकेमॉन यूज करके मैं बोर हो गया था, बट पॉल वर्ल्ड ने उसी टाइम पे नए नए पोकेमॉन्स ऐड करके भाई मेरे अंदर का फायर जगा दिया, फायर पुष्पा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। नए हो चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो, 1,00,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। लेट्स गो। All right everybody, पाल वर्ल्ड में आप लोग का एक और बार स्वागत है। आज के इस एपिसोड में ब्रो एकदम रॉकेट लॉन्चर लेकर मैं घूम रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही सारे मिस्टीरियस पोकेमॉन्स को ढूंढने के लिए। कुछ दिन मैंने पाल वर्ल्ड नहीं खेला, इतने सारे पोकेमॉन्स आ गए इसके अंदर, साले के सबको पकड़ने का अपने का मन है अभी। पर उससे पहले गाइस हम पता नहीं कहां पर भाई आसमान से गिरा खजूर में अटका, और यहां पर ये देखो इतना सारा हमें कचरा मिल गया भाई। बोलो खजूर में नहीं कचरे में अटका भाई। पाल स्पीयर मिले और नेल्स मिले हैं, नॉट बैड। चलो एंड आज हम लोग का पांचों पोकेमॉन का लाइनअप ये है। एक लैटियोस है हमारे पास जो कि बहुत ही ज्यादा तेज उड़ता है। उसके बाद है हमारा सभी का फेवरेट चारिजार्ड। नीचे मत गिर जाना भाई, नीचे मत गिर जाना। एक तो ये एक नंबर का नटखट है भाई। उसके बाद आता है हमारा गेल क्लॉ, ये हमें हेल्प करते हैं यहाँ से वहां उड़ने के लिए। देखो ऐसा बहुत बढ़िया। हालांकि मेरे पास देखो यहाँ पर लेजेंडरी ग्लाइडर है, बट यार गेल क्लॉ से उड़ने में अलग ही मजा आता है यार। ऐसा गेल क्लॉ का और मेरा रिलेशन एक अलग है ना। उसके बाद आती है गाइस हमारे पास द लेजेंडरी बेलिनियोर लीब्रो, जिसको हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर चुके हैं। तो मतलब आज हमें जो भी मिस्टीरियस पोकेमॉन दिखने वाले हैं हम उन सभी की बैंड बजाने वाले हैं। एंड लास्ट पोकेमॉन जो हम कैरी कर रहे हैं वो है इन्फर्नेव। ये है एक नया पोकेमॉन जो हम लोग ने रिसेंटली पकड़ा हुआ है, एंड रिसेंटली हम लोग ने इसकी ब्रीडिंग भी कराई है। अगर वो एपिसोड नहीं देखा है आप लोगों ने तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर अभी यहाँ पर मेरे ऊपर जस्ट उंगली जहां पर है ना उस डायरेक्शन में कॉर्नर में आ जाएगी एक लिंक, है ना, तो जरूर चेकआउट करना। बट भाई दबे भाई इन्फर्निम को पकड़ने में हालत टाइट हो गई थी मेरी, बट ठीक है गाइस। सबसे पहले तो अभी हम लोग उड़ के जाएंगे लैटियोस पे और यहाँ आसपास घूमते हैं, देखते हैं कौन से पोकेमॉन नए आए हैं एंड क्या चल रहा है। भाई म्याउथ है यहाँ पर, टीम रॉकेट का म्याउथ है यहाँ पर भाई। लो पहला ही पोकेमॉन म्याउथ है, अरे पकड़ देते हैं, आ जाओ इसको। चलो भाई म्याउथ आ जाओ, ज्यादा नाटक मत करो, साथ ही लेवल के हो तुम। जी गली पा। आप में से कौन कौन पोकेमॉन अभी तक देखता है गाइस, क्योंकि मैं तो भाई जब ये गाना गाती थी मैं खुद सो जाता था भाई। ठीक है एक जिगली पर भी पकड़ लेते बाई चांस। बूट भाई ये क्या है भाई, ये क्या है, अरे 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 ये क्या है भाई, अबे साले के सारे के भाई, ये क्या भाई, इनकी टोली घूम रही है यहाँ पर। एक गाइस एक अगर मैंने मार दिया ना गाइस एक बड़ा वाला बॉम्ब, यहाँ पर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे एक ही साथ गाइस। ये देखो देखो काम करते हैं, कॉमेट ट्रेन करते हैं गाइस इनके ऊपर। अरे तेरी सारे के सारे गायब हो गए भाई कॉमेट ट्रेन के अंदर। खैर गाइस बट ये पाल वर्ल्ड में पता नहीं नई नई चीजें क्या आई है गाइस। ये देखो आप गौर से एक बार यार, लिटरली यहाँ पर है ना ये लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं यार यहाँ पर मिलकर, कोई ना कोई पाल वर्ल्ड के अंदर गाइस नई नई चीजें डेवलप कर रहा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखो ये कौन सी मिस्टीरियस लाइन है यार जो पाल वर्ल्ड के अंदर आ गई है, कुछ नया आने वाला है क्या। ओ ये क्या पोकेमॉन है, गोड्रा भाई। ए रुके मार। अबे कौन मार रहा है, हेलो भाई मेरे गोड्रा को लैटियोस से मार दिया भाई, ये लैटियोस साले। इसको गाइस एक मिनट रुको, कमांड डोंट अटैक करना पड़ेगा। ओ एक और गोड्रा आ गया, नाइस इसको पकड़ देगा, जा जाओ। ओ ध्यान से भाई गोड्रा देखो मार नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे को मजाक में ले। चलो भाई अल्टीमेट स्पीयर में आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा, नाटक मत करना। चलो अरे 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 एक गोड्रा आ जाए बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक गोड्रा आ गया, अब एग्रेसिवली मार तू जिसको मारना है भाई। जस्ट गेम के अंदर आए हैं और इतने नए नए मिस्टीरियस पोकेमॉन भी मिलते जा रहे हैं हमें, नॉट बैड यार नॉट बैड। इधर उधर लैटियोस निकलते हैं, ये क्या है रूबिन को। ओ तुम्हारी तो यार हटो सब लोग यार, परेशान कर दिया है मेरे को यार, इतने सारे पोकेमॉन आ गए यार, ये मैं क्या देख रहा हूँ मैं ये। ओए नया नया पोकेमॉन भाई, ब्रेवरी तू भी आ जा भाई ब्रेवरी। ये क्या है वुल्पिक्स,
तू भी आ जा वुल्फिक्स, तू भी आ जा, सारे के सारे पोकेमोन का ब्रीडिंग करवाना चाहता हूं मैं इन सभी लोगों की। तो चलो बॉयज धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। डेजर्ट रनवे, इसको क्या हो गया गाइस? ये क्या है भाई, यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, ये डेजर्ट से भाग के आया हुआ है गाइस, डेजर्ट से भाग के आया, बोलो बेचारा। यहाँ से गर्मी वर्मी लग रही थी तो बेचारा यहाँ आके अभी खाना बना रहा है, क्या दिक्कत आ गई भाई। ये कह रहा है कि फाइनली मैं यहाँ से बच के निकल गया, मुझे किसी ने बोला ही नहीं कि इस वाले आइलैंड में एक कोई बड़ा सा पोकेमोन मिल रहा है। देखो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसके क्या लिखा है, इफ आई ओनली हैड व्हाट आई कुड कैच अ पाल बेस एंड सर्वाइव आउट देयर। ये कह रहा है इसके पास स्किल्स नहीं है पाल ट्रेनर बनने की, बट भाई मेरे साथ तू रहेगा ना, ब्रीडिंग मास्टर बन जाएगा तू, पाल मास्टर तो बाद में, पहले ब्रीडिंग मास्टर बना देंगे हम। अच्छा ये हमें ऑल द बेस्ट बोल रहा है, मर मत जाना आगे जाके, हरी अप एंड प्रिफर फॉर एनिमी अटैक, इफ यू डोंट यू विल बी डेड मीट विद मी व्हेन नाइट फॉल्स। भाई हमें वॉर्न कर रहा है भाई, और प्लेडियम फ्रेगमेंट भी इसने गिफ्ट किया हमको, थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ तेरे को एक काम कर दे गाइस, इसका बेचारे का पाल गेम अच्छा नहीं चल रहा ना, इसको हमारे ना हम लोग लेजेंडरी मास्टर स्पीयर देते हैं, ये ले भाई एंजॉय कर भाई तू, इस वाले स्पीयर से गाइस ये किसी भी पोकेमोन को पकड़ सकता है। हाँ ऑब्वियसली मिस्टीरियस पोकेमोन को नहीं पकड़ सकता ये, और लेजेंडरी पोकेमोन को भी नहीं पकड़ सकता, मारना पड़ता है उनको, पहले वीक करना पड़ता है और फिर ये वाला पोकेबॉल फेंकना पड़ता है। बट हाँ यार वैसे देखा जाए तो छोटे मोटे पोकेमोन जो है यहाँ के 40-50 लेवल के, उसको तो आराम से वो पकड़ सकता है। तो यार सबका भला करते जाने का रास्ते में, और क्या क्या पोकेमोन आए हैं अंदर मुझे देखना है। ओ ये क्या पोकेमोन है ब्रो, शॉशबक भाई, यार मैंने थोड़े दिन, अरे तुम भाग कर रहे हो, तुमको भागने थोड़ी दूंगा, मेरे पास गेल क्लो है भाई इतना, अरे 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 अरे, अरे लोगों को बेहोश करते जा रहे, अरे ओ मैंने नहीं मारा भाग, मेरे को मार रहा है, अरे मैंने नहीं मारा मेरे भाई, ओए देखो ये देखो ये देखो, मैं सबको मार जा रहा है और मेरा नाम आ रहा है, अभी तो रुक जा भाई, ओए दीवार को बाउंस हो गया भाई, भाई भाई बहुत सारे लोग मुझे मार रहे हैं भाई, लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई, एक और नया पोकेमोन, लेट्स गो भाई। मेरे हिसाब से तो भाई ये गोडरा है ना, ये गोडरा ही है शायद गोडरा, यस यार मेरे हिसाब से तो हमें बेस में आना चाहिए और वहां पर देखने चाहिए कि हमारे नए नए पोकेमोन कैसे दिखते हैं। हालांकि बेस में जाते ही आपको बहुत सारे लुकारियों देखने मिल जाएंगे, बट अभी इन सारे लुकारियों को है ना थोड़ा सा साइड में रखने दो मुझे भाई। एक इलेक्ट्रोबस जो है इसको हम लोग ने मांड ब्रीड करके निकाला है, तो अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना और ब्रीडिंग एपिसोड मिस बिल्कुल भी मत करना। बट यहाँ पर गाइस ये देखो हमारे नए पोकेमॉन्स जो हम लोग ने पकड़े है, वुल्फिक्स है, ब्रेवरी है, गोडरा है, बढ़ाओ गाइस बारी है यार। बट देखा जाए तो बहुत छोटे मोटे पोकेमोन है जो लो लेवल के हैं यार, हम चाहते हैं ढूंढना। बट एक बात और है कि उसी आइलैंड पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन आने वाला है, तो हमें बस ढूंढना है, थोड़ा टाइम लगेगा, सबर का फल मीठा होता है। तो बस ये सारे पोकेमोन देखने के लिए आया था मैं यहाँ पर। बट यार इलेक्ट्रोबस देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, एक बड़ा सा पिकाचू लग रहा है भाई देखा जाए तो। वो ये क्या कर रही है गोडरा यहाँ पर, ये पानी वानी डाल देगा, हमारा फार्म है भाई दबा यहाँ पर, अगर किसी को मालूम ना हो भाई गोडरा, अरे कचरा कैसे आ गया भाई मेरे बेस के ऊपर, यार क्या हो गया भाई, दो दिन अगर मैं आया नहीं, साफ सफाई करी नहीं, कौन है पोकेमोन साफ सफाई करने के लिए भाई। ओ साफ सफाई करने के लिए कोई पोकेमोन ही नहीं है, मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ती है, मैं इन सारे पोकेमोन का हेल्पर हूँ भाई। ये देखो कैसे बैठा है भाई, इसके सर के ऊपर लिटरली एक झाड़ है ब्रो, लेट्स गो भाई। इतने नए नए पोकेमोन है गाइस, इसका नाम क्या है, सॉसबक, सॉसबक है, ये गोडरा है, उसके बाद ये है ब्रेवरी, वो ये क्या है, ग्रेनेड ग्रेनेड है मेरे हाथ में, कैसे अभी ग्रेनेड है मेरे हाथ में गाइस, रुको एक काम करते हैं, ओ ये क्या है, फैंगलूप है अपना वाला, ठीक है आजा भाई ग्रेनेड फेंकते हैं इनके ऊपर, फेंकते फेंकते मैं गिर जाऊंगा, आय ग्रेनेड का भाई, ग्रेनेड लगा है उसको और उसको आग भी लग गई, ये यार ये फैंगलूप देखो मुझे मार, ओ भाई 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 कैसे कैसे अटैक कर रहे हैं ये लोग भाई, फैंगलूप कब से ये सब अटैक करने लगे, तुमको तो रुको भाई दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ गाइस, मेरा एक इन्फर्ने भी इनके लिए काफी है, चल भाई इन्फर्ने दिखा दे, बड़ा वाला थंडर क्लैप कर, बड़ा वाला थंडर क्लैप कर, अरे अटैक कर मेरे भाई अटैक कर, ओ तेरी भाई, अरे इन्फर्ने के ऊपर भाई पॉइजनस क्लाउड डाल दिया था बट अंदर ले लिया हम लोगों ने, बट भाई इन्फर्नो तीनों के तीनों को भाई टहरा टहरा के मार देगा, इसे को टहर रहे लोग मर के हुए। ऑलराइट वापस आ चुके हैं, नए पोकेमोन हम लोग ने देख लिए भाई, इसी आइलैंड पे कहीं ना कहीं हमें वो नया पोकेमोन मिलने वाला है, तो बॉयज सभी लोग रेडी हो जाओ। अरे
यहाँ पर एक और बंदा है। ओ तेरे भाई दो बड़े बड़े टॉल्टेरा भाई 40 लेवल के 46 लेवल के दो नहीं तीन है भाई। साइड में निकल जाओ चुपचाप, धीरे धीरे इससे बात करते हैं क्या दिक्कत आ गई इसको। हे हेल्प, आई डोंट वॉन्ट टू बी हियर एनीमोर। अ जायंट स्कैरी पाल अटैक्ड अस, इट च्यूड अप एंड स्पिट इनटू स्पिट आउट ह्यूमंस लाइक दे आर वेयर टॉयज। भाई ये मुझसे मदद मांग रहा है और ये कह रहा है कि बड़े पोकेमोन ने इसको मकर के मारा है और बहुत सारे ह्यूमंस को तो वो खा गया है। यू हैव टू कैच सम पाल्स एंड बिल्ड अ बेस बिफोर नाइट कम्स, यू कांट विंड इन द डार्क ऑफ नाइट, बिल्ड अ बॉनफायर, हाइड एंड प्रे अंटिल डे ब्रेक्स। ये कह रहा है कि भाई तेरे को एक बेस बनाना पड़ेगा रात होने से पहले वरना लोग मुझे मारेंगे। इसको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ बेटे। ये पलेडियम फ्रैगमेंट दिया बेटा, एक मिनट देख। ओए क्या नाम है तेरा? कावर्डली विक्टिम। एक बार ये लैटियोस को देख भाई, इतना लेजेंडरी पोकेमोन तूने देखा है कभी? इसके होते हुए, हमारे प्यारे चारिज़ार्ड के होते हुए कोई रात को मुझे टच भी कर सकता है क्या? है टच भी कर सकता है क्या? आने तो आए बड़े हैं। ओ भाई हवे में इसने डाल दिया है पूरे के पूरे वॉल्केनोस और ये देखो टॉर्टेरा के ऊपर धड़ाम धुड़ूम पड़ रहे हैं। ओ भाई टॉर्टेरा भी गुस्सा हो गया बट ओके 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 ओके। टॉर्टेरा के सामने हमारे चारिज़ार्ड के फायर अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई। वो देखो दो टॉर्टेरा नहाने गए थे, वो लोग बाहर आके मुझे फाइट करने लगे। बाप रे तेरी तो। एक टॉर्टेरा तो पकड़ेंगे गाइस हम लोग, एक टॉर्टेरा तो पकड़ेंगे। बहुत इजी है पकड़ना इनको, बहुत लो लेवल के हैं। 40 लेवल का पकड़ते हैं गाइस, ये पीछे वाला पकड़ते हैं। चलो भाई 40 इजीली पकड़ लेंगे भाई, 96 लेवल का है भाई। मैंने बोला ना गाइस मास्टर स्पियर है ना जो मेरा गाइस, ये परफेक्ट स्पियर है कोई भी बड़े पोकेमोन को पकड़ने के लिए। हालांकि ये स्पियर बनाने में हालत टाइट हो जाती है और ये वाले स्पीयर यूजुअली है ना लेजेंडरी पोकेमोन के पीछे ही यूज करने चाहिए। बेकार में मैं टॉर्टेरा पकड़ रहा हूँ भाई उससे। एक काम करता हूँ अभी से अल्टीमेट स्पीयर यूज करूंगा ठीक है। मास्टर स्पीयर ऐसा दिखता है और मैं आपको बताता हूँ अल्टीमेट स्पीयर देखो ऐसा दिखता है ठीक है, तो याद रखना आप लोग। अरे 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 चार्जर जिससे गुस्सा भाई, अरे अरे किससे फाइट करना चाहता है? ओके यहाँ पर इतनी सारी रॉलेट्स थी, अभी इन सभी के अंडे ले लेते हैं। रुको रुको रुको, चलो भाई बस हो गया, अब चलते हैं भाई। चारिज़ार्ड बस हो गया भाई, तू ज्यादा फाइट मत कर अभी, रुक जा। अब तो मुझे पक्का भरोसा है कि भाई लैटियोस के ऊपर बैठ के हम लोग अगर ये पूरा एरिया छान मारेंगे ना अच्छे से तो पक्का कहीं ना कहीं हमें बहुत ही। ओ ये क्या हुआ ब्रो? पूरा आसमान चमक रहा है। ओ ये क्या मीटियोर गिर रहा है? व्हाट ब्रो, लिटरली वहां पर एक मीटियोर गिरा है कहीं पर तो। ब्रो एक सेकंड के लिए पूरा का पूरा आसमान डार्क हो गया था और वहां पर मीटियोर गिरा है। और भाई जब जब मीटियोर गिरता है तभी वहां पर कोई तो बड़ा सा पोकेमोन स्पॉन होता है। पहले आपको पता है सहेलिन होती थी। ओ ये क्या है ब्रो? ये अटैक, ये पोकेमोन देखो अभी ये मेरे तरफ ही आ रहा है। भाई साहब ये वही जगह से मीटियोर गिरा और ये पोकेमोन मुझे अटैक करने आ रहा है क्या? कौन है ये? व्हाट डार्क नाइट ऑफ लेजेंड डियाल का ब्रो? नहीं 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 भाई ये देखो। ओ मम्मी भागो भागो भागो, ये क्या अटैक है ब्रो, ये क्या अटैक है इसके पास? ओ तेरी 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 तेरी, नहीं नहीं एक खंभे के। व्हाट भाई वो पिलर के आर पार मार रहा है, एक और बार मारने वाला है मुझे। ओ तेरी ये क्या है, ये क्या, कौन है ये पोकेमोन ब्रो? भाई डियाल का ये कौन? तेरी तो रुका चारिज़ार्ड भाई तेरी बारी, चल मार इसको भाई। सामने 100 लेवल का पोकेमोन है, हमारा चार्जर 68 लेवल का है। ऑलराइट चलो चारिज़ार्ड ने फाइट करना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया, बट ये डियाल का मेरी तरफ ही देख रहा है भाई। इसको सिर्फ 5-5, 10-10 डैमेज हो रहा है। नो ब्रो नो 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 नो, बहुत ही ज्यादा। ओ तेरी मेरी चारिज़ार्ड को भाई बर्फ बना दिया इसने भाई। चारिज़ार्ड एक फायर टाइप पोकेमोन है और इसको कभी भी कोई बर्फ नहीं बना सकता भाई। ये क्या है भाई ब्रो? द लेजेंडरी डियाल का हमें मिल चुका है गाइस। भाई क्या हम लोग इसको पकड़ पाएंगे गाइस? भाई हमारे अल्टीमेट स्पेयर में तो आ भी नहीं रहा है गाइस, मास्टर स्पेयर यूज करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे यार अरे यार अरे भाई शिट, मैं जो झटका लग गया मुझे गाइस, मैं हिल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता भाई। चारिज़ार्ड तो कुछ नहीं कर रहा है भाई, बचना पड़ेगा गाइस। इसके अटैक भी ऐसे हैं गाइस, बहुत तेज करता है ये अटैक। ओ तेरी भाई चारिज़ार्ड के पीछे पड़ गया। चारिज़ार्ड को भाई शॉक लग चुका है क्या? भाई रुको मुझे लग रहा है बेलिनो और नीब्रो को ही निकालनी पड़ेगी भाई। ये मुझे ना मार दे यार, ये मुझे मत मारना यार। इसके गाइस मेरी शील्ड भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ओ तेरी भाई मेरे बाजू में से इसने आइस वाला अटैक निकाले थे ब्रो। चल भाई बेलिनो और तेरे ऊपर ही है भाई अभी तो। भाई क्या डैमेज ये दे रहा यार ये तो।
ब्रो मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल बेली ने और ली ब्रो। भाई हमारे भी एक एक डैमेज लग रहा है भाई, गड़बड़ गाइस, करना पड़ेगा गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, कोई गन बढ़िया ढूंढनी पड़ेगी। रॉकेट लॉन्चर मार के देखता हूँ गाइस। ओ तेरी, एक रॉकेट लॉन्चर भाई सारे के सारे जा, अबे उड़ने लगा ये भाई। अच्छा हुआ है मेरे पास लेजेंडरी। भाई 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 भाई, रुको 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 गाइस, बेलिन और लिब्रो का अल्टीमेट अटैक यूज करना पड़ेगा अभी हमें। चल भाई ये देखो गाइस, बेलिन और लिब्रो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक होने के बाद भी भाई, ब्रो ये तो एक भाई लिटरली ये इतना पावरफुल लग रहा है ना मुझे भाई कि बहुत ज्यादा लेजेंडरी है भाई। हमारी बेलिन और बार बार वो अटैक कर रही है फिर भी भाई कितना स्लोली मर रहा है। देखो गाइस हमें भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, हेल्प करना पड़ेगा यार। मैं अपनी मशीन गन नहीं लाया ब्रो, अगर मैं मशीन गन लाया होता गाइस। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, बेलिन और ली ब्रो भाई कितना ज्यादा डैमेज दे रही है, लेट्स गो। ओ तेरी भाई, भाई एकदम ओपन ग्राउंड में लेकर आ चुके हम लोग अभी डियाल्गो को, बट यार ये पता नहीं झाड़ के अंदर फंसा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक अटैक भी कर रहा है, साथ साथ में आइस अटैक भी कर रहा है कभी कभी, और हवे में भी उड़ जाता है यार। ब्रो ये तो बहुत गड़बड़ होने वाली है भाई, हमारी बेलिन और लिब्रो भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है गाइस, लेट्स गो गाइस। तगड़ा तगड़ा गाइस, तगड़ा एकदम एकदम तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रही है हमारी बेलिन और लिब्रो इसको। ओ तेरी भाई क्या है यार, ये बेलिन को भी टारगेट कर रहा है, मुझे भी मार रहा है भाई, साथ में एक तीर से दो निशान, मां कसम भाई। एक बात देखो आप लोग, मेरी बेलिन और रुक ही नहीं रही है भाई, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, गायब हो के अटैक कर रही है भाई डियाल्गा, लेट्स गो गाइस। भाई ये देखो अब तक हम लोग ने एक भी डियाल्गा नहीं पकड़ा भाई, दिस इज माय फर्स्ट एवर लेजेंडरी पोकेमॉन इन द न्यू पाल वर्ल्ड गाइस। ओ भाई ये क्या अटैक है ब्रो, ये कौन सा नया अटैक था, वापस गायब हो गए गाइस डियाल्गा, लिटरली गाइस के दिमाग नहीं चल रहा है डियाल्गा का कि कैसे खेलना है। बट गाइस अभी तक अगर देखोगे आप अच्छे से तो अभी तक अल्टीमेट स्पीयर से इसको नहीं पकड़ पा रहा हूं, ये देखो। ओ भाई बॉल मेरा उड़ के चला गया कहीं ये, भाई आ जाओ मेरे हिसाब से थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, ब्रो 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 बच गए बच गए बच गए बच गए। अच्छा ओ भाई व्हाट आई सीइंग ब्रो, इन्फर्नेव के अटैक्स क्रिटिकल लग रहे हैं उसको भाई, डियाल का एक डार्क टाइप पोकेमॉन है ब्रो। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी भाई, इन्फर्नेव भी हमारा किसी से कम है क्या भाई, इन्फर्नेव का कोई अटैक है क्या दूसरा वाला, देखते हैं रुको। ओ भाई इतने सारे अटैक्स आते हैं, फायरबॉल रखते हैं गाइस, एक फायरबॉल। ओए डियाल का एक न्यूट्रल टाइप पोकेमॉन है, न्यूट्रल टाइप अटैक पोकेमॉन के सामने गाइस पूरे डार्क अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक काम कर इन्फर्नेव, इधर आ फटाफट इधर आ मेरे पास, मैं तेरे को चलाता हूं गाइस, एक कियोस लेजर मारते हैं इसके ऊपर, आ जाओ। ओ तेरी भाई, नहीं 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 नहीं, दोनों के दोनों अटैक कर रहे हैं एक साथ, एक फायरबॉल तो मारना जरूरी है गाइस इसके ऊपर, परफेक्ट फायरबॉल। ओ तेरी 400 डैमेज ब्रो, बट इसको आग नहीं लग रही गाइस, एपोकोलिप्स डालना पड़ेगा गाइस, पूरा भवंडर बन गया, लेट्स गो डियाल का फंस गया भाई, बट मारना पड़ेगा गाइस, क्या पोकेमॉन है। ओ तेरी एक और फायरबॉल, लेट्स गो। ओ कियोस लेजर, एक ओई डॉच कर रहे हैं वो। ओ तेरी मेरा इन्फर्नेव को भाई इलेक्ट्रिक झटके लग गए गाइस, रुको रुको रुको, लग रहा है गाइस लैट्रियोस को ट्राई करना पड़ेगा हमें अब फाइनली गाइस, लैट्रियोस वर्सेस डियाल्गा होने वाला है भाई। अभी तक हम लोग इसकी 10,000 एचपी भी कम नहीं कर पाए हैं, ए लैट्रियोस ये क्या है, एक एक डैमेज है ये ब्रो लैट्रियोस। ओ तेरी लैट्रियोस को तो बहुत मार रहा है, नहीं 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 नहीं, 40,000 तू ही जा भाई, तू ही जा भाई, सबसे ज्यादा पावरफुल अभी तक मुझे बेलिन और लिब्रो लगे इसके सामने, थोड़ा और मारना पड़ेगा गाइस इसको हमें, मार 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 भाई, चारिज़ार्ड वर्सेस डियाल्गा, व्हाट अ बैटल गाइस, व्हाट अ बैटल, चारिज़ार्ड एक फायर टाइप पोकेमॉन और डियाल्गा भाई एकदम आंखों में आंखें डाल के अभी फाइट करना चाहते हैं। तेरी तो डियाल्गा दूर रहे मेरे चारिज़ार्ड से साले, दूर रहे, क्या फाइनली मैं देख रहा हूँ डियाल्गा को आग लग गई है। ओ नहीं 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 नहीं, ओ भाई भाई ये अटैक डॉच करना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया ना गाइस, ये देखो ये नहीं समझ में आता मुझे, अरे रे 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 रे, मेरी हेल्थ देखो गाइस, मेरी शील्ड हमेशा तोड़ देता है ये भाई, रुको डियाल्गा भाई प्लीज मेरे पोकेमॉन को मार, मुझे मत मार। अरे यार ये गेल क्लॉ कहां भेज दिया मैंने, गेल क्लॉ नहीं 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 भाई, बेलिन और लिब्रो ही बचा पाएगी मुझे लग रहा है इसके सामने। तेरी तो, रुक जा डियाल्गा को रुक जा, अब मारेगा ना, हाँ बढ़िया भाई, बेलिन और लिब्रो से शांति से फाइट करवाएंगे तभी जाके होगा ये। डियाल्गा तो भाई मेरे पीछे ही पड़ गया है ब्रो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल इसका गाइस स्ट्रक्चर देखो एक बार के लिए गाइस,
भाई एक बार पास से आके देखते हैं, थोड़ा पास ज्यादा नहीं जा पाएंगे वरना मर जाएंगे। भाई इसके पैर वगैरह देखो यार, ये कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ब्रो। भाई बड़ा हमारी बेलिनो लीब्रो जैसे तैसे इससे बच रही है। भाई आई कांट बिलीव हम लोग क्या करने वाले हैं इसके साथ। भाई इतने बढ़िया ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन निकालेंगे अगर हमने इसको पकड़ लिया ना भाई, मजा आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ गाइस कौन से ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन आपको देखने हैं डियाल्गा के साथ। भाई यार ये पिचुक गन तो लग ही नहीं रही है इसको यार, ये एक-एक की गोली मार रहा है सिर्फ। भाई एक काम करना पड़ेगा, अभी असॉल्ट राइफल ही निकालनी पड़ेगी। ओ ये क्या अटक है ब्रो, ब्रो ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है भाई, मेरी बेलिनो लिब्रो को। तू हट जा यहां से साले, लग जाएगी तेरे को कहीं पे। मारो भाई सभी लोग मिलकर मारो गाइस, मेरे पास अभी भी अल्टीमेट स्पेयर पे हम लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। भाई यार इसको कितना लो करना पड़ेगा यार ब्रो, 23,000 एचपी अभी भी इसकी बाकी हुई है, 37,000 एचपी भी हम लोग ने स्टार्ट किया था इसको मारना। बट भाई हमारी बेलिनो लिब्रो को थोड़ा टाइम चाहिए यार, बेलिनो भाग वहां से। ओ भाई क्या डॉच किया टाइम पे, लेट्स गो। मार भाई मार मार, मारते रहे। डियाल्गा बेटे बेलिनो लिब्रो ही तेरे लिए अकेली काफी है, समझा क्या? गाइस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके गाइस हमें नए नए वेपन्स भी निकालने पड़ेंगे। ये नए नए पोकेमॉन जो मीटियोर से स्पॉन हो रहे ना गाइस, इनको मारना बहुत मुश्किल है। ओ ये क्या है, कोई ड्रैगन कैनन स्किल फ्रूट मिल गया हमें। भाई ये डियाल्गा का तो नहीं है, कहां गया ये यार, इतने झाड़ है यहाँ पर ब्रो, ये सारे के सारे झाड़ तोड़ने पड़ेंगे। रुको एक बार, मुझे सारे झाड़ तोड़ देते हैं यहाँ के, रुको हटो भाई, थोड़ा जगह क्लियर करो तो मुझे दिखे डियाल्गा कहाँ पर है। भाई चल बेटा डियाल्गा लेट्स गो। भाई 20,000 एचपी और बाकी है इसकी गाइस, अब आई गेस हम लोग इसको यूज कर सकते हैं गाइस अच्छे तरीके से। एक मास्टर स्पेयर यूज करते हैं अब इसके ऊपर, मेरे वो 59% चांसेस है गाइस। रुको बैक बोनस लेंगे गाइस, रुको बैक बोनस लेंगे। भाई बैक बोनस भी नहीं आ रहा इसके ऊपर, ओके 74% चांसेस है भाई, प्लीज आ जा डियाल्गा, 88% चांस, लेट्स गो ब्रो। हमारा पहला लेजेंडरी पोकेमॉन जो लिटरली मीटियोर से आया हुआ है उसको हम लोग ने पकड़ लिया है। भाई कितना ज्यादा एचपी मिला है हमें, लेवल 70 के हो चुके हैं हम लोग ब्रो, लेट्स गो। स्टैमिना बढ़ाते हैं थोड़ा गाइस। भाई फटाक से चलते हैं अपने बेस के ऊपर, एक क्लोजेस्ट वाले फास्ट ट्रैवल से फटाफट बेस पे चलते हैं। भाई डियाल्गा मुझे देखना है कैसा है इन पर्सन, एक बार फटाफट देखते हैं। रुको रुको कहाँ है भाई फास्ट ट्रैवल, ये रहा, फटाफट चलते हैं बेस में। और कौन है यार यहाँ पर जो परेशान कर रहा है मुझे? ओ तेरी तीनों के तीनों रशर और को इसने एक ही बार में मार दिया। ये देखो ये परेशान कर रहे थे सारे रशर और मिलकर, ये इसको परेशान कर रहे थे तो हम लोग ने इसकी हेल्प भी कर दी। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया भाई। इन्वेंट्री फुल हो चुकी है अभी हम लोग। भाई ये देखो कॉशियस PIDF ऑफिसर भी है यहाँ पर, चुपचाप निकलते हैं फटाफट बेस पे और देखते हैं। भाई ब्रीडिंग बेस पे लेकर आता हूँ इसको, सीधा ब्रीडिंग बेस पे ही लेके जाऊंगा इसको। मैं चाहता हूँ कि इसके हम लोग बहुत सारे बच्चे निकाले और इसके बच्चे निकाले, मतलब समझ रहे हो। डियाल्गा कहाँ है भाई, डियाल्गा कहाँ है मेरा डियाल्गा। ओ ब्रो लुक एट दिस लेजेंडरी पोकेमॉन राइट हियर गाइस, लेजेंड है इसके पास मैसिव स्किल्स में, लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग। ओके लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग अटैक्स इसको इसीलिए आते हैं, आइस एम्परर है ये और एक लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड भी है ब्रो, क्या ही पोकेमॉन है भाई। रुको रुको इन्फर्नेप को हटाओ साइड में थोड़ी देर के लिए, हमारे नए पोकेमॉन को वेलकम करो। 99 लेवल का है ये, लेट्स गो बॉयज, लुक एट डियाल्गा भाई। ओ तेरी भाई झाड़ काट रहा है भाई, मुझे लगा फाइट कर रहा है ये। रुको रुको एक काम करते हैं इसको इसके सामने भिड़ाते हैं। रुको आजा भाई, टॉर्टेरा की तो बैंड बजा दी भाई, लिटरली पूरा झटका मार रहे टॉर्टेरा यार। ओए एक और इलेक्ट्रिक अटैक भाई, हालांकि टॉर्टेरा के सामने इलेक्ट्रिक अटैक कुछ फर्क नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है टॉर्टेरा, ग्रास और एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, बट फिर भी भाई हमारे डियाल्गा ने इसको दो बार मार दिया भाई, लेट्स गो। चलो भाई इसका सैडल वैडल बनाते हैं, हमारे मेन बेस पर सैडल बना गया है मैं इसका, ठीक है। ओ भाई लिटरली ये झाड़ कितना तेजी से तोड़ रहा है भाई, एक ही अटैक में चार तोड़ देगा ये तो। भाई मैं इसका सैडल बना के मैं देखना चाहता हूँ ये क्या क्या अटैक्स और भी कर सकता है। ओके यहाँ पर हमारे सारे सैडल बनते हैं, फटाफट यहाँ पर जाके चेकआउट करते हैं। भाई हमारे मेन बेस पर जैसे ही हम लोग आते हैं ना गाइस हमें सारी चीजें मिल जाती है, लिटरली हम लोग ने डियाल्गा का सैडल एक सेकंड में बना दिया ब्रो। लुक एट स्पीड भाई,
लुक एट हिज स्पीड ब्रो, भाई लिटरली फैंगलूप से भी तेज भाग रहा है ये तो। भाई वहां पर एक नीचे एक फैंगलूप था भाई, कितना तेज भाग रहा है भाई साहब। ओए हवा में जंप कर सकता है ये गाइस, उसके पैर की बनावट ऐसी है कि गाइस ये हवा में जंप कर सकता है। देखो अभी यहां पर हमने एक जंप करा, एक और जंप करा, ये देखो भाई लिटरली क्या, देखो एक और जंप करा हवा में हम लोगों ने ब्रो। ये देखो ओ ये क्या है, ओ ये क्या जगह है ब्रो। अबे ये टेंट वगैरह कब आ गए यहां पर। ओ कहीं कहीं फाइट कहां कर रहे हो भाई, फाइट कहां कर रहे हो। अच्छा इसको मार रहा था डियाल का ब्रो, अब मैं समझ गया। एक मिनट रुको गाइस, एक ट्राई करते हैं, कुछ करते हैं क्या, डियाल का फाइट करना है इसके। ओ तेरी ये देखो मीमॉक साले छुप के बैठा था, तो इधर आ, कहां भागेगा भाई। अच्छा हुआ मीमॉक को मैंने पकड़ लिया भाई, अभी मर जाता ये अटैक में वो भाई। लेट्स गो भाई। ओ वो कौन सा पोकेमॉन है सामने गाइस, डियाल का इधर आना फटाफट भाई। वो देखो एक डुमुर्द के पीछे पोकेमॉन भाग रहा है वहां पर ब्रो। ग्रे निंजा हमारे पास, एक्स काशम का ग्रे निंजा ब्रो फाइनली। ओ नहीं 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 नहीं, ये क्या अटैक कर रहा है ग्रे निंजा। ओ तेरी भाई, लाइटिंग गॉड के सामने लाइटिंग अटैक कर रहा है ये। इसको मालूम है क्या डियाल का कौन है। ओ भाई ये फायर अटैक भी कर रहा है, बट ग्रे निंजा बेटा बस हो गया कल आने का, समझा क्या। बस बस भाई डियाल का चिल 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 भाई, बहुत पावरफुल है भाई ये तो। ऑनेस्टली मुझे डियालगा को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये एक ऐसा पोकेमोन है जो एक आइस टाइप पोकेमोन है, प्लस ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग टाइप पोकेमोन भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले पोकेमोन को हम लोग दो पोकेमोन से फाइट करवाए। एक तो हमारा होगा एक जिम बॉस, जो कि होने वाला एक बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक पोकेमोन ट्रेनर, और दूसरा आइस टाइप पोकेमोन जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है इस गेम के अंदर। एंड आप लोग को तो पता है गाइस आइस टाइप पोकेमोन का राजा कौन है। तो मैं गाइस डियालगा को लड़ाने के लिए आया हूं नन अदर देन फ्रोस्टालियन के साथ, क्योंकि फ्रोस्टालियन ही एक ऐसा पोकेमोन है जो कि एक ट्रू कॉम्पिटिशन देगा डियालगा को एक आइस टाइप बैटल के ऊपर, है ना। तो चलो गाइस यहाँ पर फ्रोस्टालियन के पास हम लोग आ चुके हैं। ऑल राइट भाई हमारे सामने भाई साहब फाइनली ब्रो 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 आजकल के भाई। हेलो हेलो डियालगा, अरे डियालगा के साथ फाइट करवानी है भाई, तू रुक जा भाई डियालगा। हेलो हेलो हटो हटो भाई, पैनिक पैनिक पैनिक। ओ भाई डियालगा शुरू हो चुका है गाइस। ओ तेरी भाई क्या डैमेज दे रहा है भाई फ्रोस्टालियन को। लेट्स गो डियालगा, लेट्स गो भाई, नॉट बैड गाइस, जितना मैंने सोचा उससे बहुत बेटर कर रहा है डियालगा। लेट्स गो भाई, इसको मारना जितना मुश्किल था गाइस। हालांकि दोनों के दोनों आइस टाइप पोकेमोन है, और हमारे को सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव हमारा यही होता कि हम लोग एक फायर टाइप पोकेमोन निकाले। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखो, अगर हम लोग का इस चारिज़ार्ड को अगर निकालते हैं इसके सामने, चारिज़ार्ड इसकी तो बैंड बजा देगा गाइस, देख लेना अभी। ये देखो भाई चारिज़ार्ड का सिर्फ एक अटैक देखना तुम, ये देखो ये रुक जाए कहीं पे, रुकता ही नहीं है ये। ओ तेरी देखो आग लग गई भाई, बैंड बच गई भाई, पूरी की पूरी बैंड बच गई है। बट भाई मैं चाहता हूँ एक बार रियल में डियाल का एक बार फाइट करे ना, इससे पूरी आइस बैटल होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से भाई। लेट्स गो, सारे के सारे पोकेमोन अभी जो आ रहे गाइस, पूरा का पूरा पाल वर्ल्ड अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। सारे के सारे पोकेमोन्स को मारना अभी बहुत ज्यादा टफ होने वाला है भाई। देखो मेरी लिटरली भाई इतनी ज्यादा पावरफुल असॉल्ट राइफल भी गाइस बहुत ज्यादा नूब फील करवा रही है। लुक एट दिस गाइस, जस्ट लुक एट दिस भाई, डियालगा को देखो ब्रो, व्हाट इज दिस भाई साहब। इलेक्ट्रिक अटैक भी कर रहा है ये, आइस अटैक भी कर रहा है, और रुक ही नहीं रहा है भाई। फ्रोस्टालियन को अटका दिया है पूरे इलेक्ट्रिक झटके दे देकर, हिल ही नहीं पा रहा है भाई फ्रोस्टालियन। लॉल चल भाई डियालगा, लेट्स गो, कर सकता है तू, लेट्स गो। ओ तेरी आइस अटैक के सामने, आइस अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल। थोड़ा साइड में आके फाइट करो, यहाँ पर इधर आओ। हाँ अब मारो। ओ भाई ये क्या करने वाला है, इतना पास जाकेगा, इसे कोई इलेक्ट्रिक अटैक करने वाले लग रहा है यार। डियालगा तेरे पास रेंज अटैक है भाई, तू रेंज अटैक यूज कर, उसके पास नहीं क्यों जा रहा है। ओ भाग 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 भाग, बच गए भाई, क्या टॉर्च किया है। अब लाइटनिंग बोल्ट की बारी गाइस, और ये बात भाई, ये देखो लिटरली कितना ज्यादा जबरदस्त लाइटनिंग अटैक मार रहा है। और ये बात, लुक एट दिस गाइस, कितनी ज्यादा लाइटनिंग पावरफुल है गाइस इसकी। ओ गाइस लेट्स गो, लाइटनिंग बोल्ट लगने वाली अब इसको, लेट्स गो भाई। प्रॉब्लम यही है गाइस कि हमारे डियालगा के पास दो लाइटनिंग अटैक है। अगर बाय चांस डियालगा के पास गाइस अगर एक फायर टाइप अटैक होता ना भाई, बैंड बदल देता भाई फ्रोस्टालियन की। बट ठीक है भाई, बट भाई मेरे हिसाब से अभी तक फ्रोस्टालियन ने डियालगा की लिटरली एक एचपी भी कम नहीं कर पाया है ये।
तो मेरे हिसाब से ये क्लियर विनर है हमारा डियाल का। फ्रॉस्टालियन आ जाओ, बाय बाय, जी जी, बहुत बढ़िया मैच फ्रॉस्टालियन फाइनली हम लोग ने पकड़ लिया है। और ये गोल गोल घूम के डांस करने लगता है गाइस मारने के बाद है। चलो लैटियोस, फ्रॉस्टालियन को तो खत्म कर दिया हम लोग ने, अब हम चलते हैं गाइस सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक पोकेमोन को मारने के लिए, लेट्स गो। ऑलराइट बॉयज, आ चुके हम लोग हमारे जिम टावर बॉस के साथ फाइट करने के लिए। ये आप लोग को तो पता ही है गाइस कौन है इसके अंदर, मुझे इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो। वेलकम टू द बॉस फाइट, डियाल्गा वर्सेस द इलेक्ट्रिक टावर बॉस। बहुत ही ज्यादा पावरफुल लड़की है ये गाइस। चलो फटाफट चलते हैं सीधा इलेक्ट्रो बॉस के साथ फाइट करने के लिए। बाप रे डियाल्गा, चलो भाई आ जाओ। ओ भाई ये देखो, ये अटैक कर रहा है ये मेरे पे। अरे तेरी, ओ भाई डियाल्गा ने एक अटैक में लिटरली इसको खत्म कर दिया। दूसरा अटैक, बाय बाय भाई, इलेक्ट्रो बॉस खत्म। डियाल्गा ओपी इन द चैट हो जाए गाइस। ऑल राइट गाइस, फाइनली आई एम वेरी हैप्पी हम लोग ने इतने टाइम बाद एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड गाइस। अगर आप लोग को मजा आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाते रहना। हम लोग मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर हम लोग डियाल्गा को ब्रीड करवाएंगे। So get ready for that as well. Thank you so much for watching today's episode. Love you all. I will see you guys later in the next one. Kal subah ko 8:30 baje. Bye.